देख सदा न देगा जुबा सिता नबी का देख सदा न देगा जुबा सिता नबी का देख सदा न देगा जुबा सिता नबी का देखकर सदा न देगा जुबा सिता नबी का देखकर सदा न देगा उसको कसम खुदा की उसको कसम खुदा की हरगिज खुदा न देगा उसको कसम खुदा की हरगिज खुदा न देगा परवरदिगार तुझको हरगिज शिफा न देगा परवरदिगार तुझको हरगिज शिफा न देगा मेरे नबी का जब तक मेरे नबी का जब तक तू वास्ता न देगा मेरे नबी का जब तक मेरे नबी का जब तक तू वास्ता न दे शेर पढ़े तीसरा शेर कहता है शाह कि जो है रजा नबी की वो है रजा खुदा की जो है रजा नबी की वो है रजा खुदा की जिसको नबी न देंगे जिसको नबी न देंगे उसको खुदा न देंगे न देंगे जिसको 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 नबी न देंगे न देंगे जिसको नबी न देंगे न देंगे जिसको नबी न देंगे जिसको नबी न देंगे न देंगे जिसको नबी न देंगे उसको खुदा न देगा जिसको नबी न देंगे। और रफीक भाई आप चूंकि माशाल्लाह हकीम हैं और आपके नाम के साथ खासकर मैंने हकीम कहा था कि इस कलाम में हकीम का जिक्र आ रहा है कहता है शायद और ये चौथा शेर है चौथे के बाद आखिरी शेर मुझे पढ़ना है और वो शेर है पांचवा जो मैं पढ़ूंगा लेकिन यह चौथा शेर जिसमें शायर हकीम का जिक्र करता है कहा कि सरकार के मतब में मिलती मतब दवाखाना शिफाखाना क्लिनिक मतब सरकार के मतब में मिलती है रोज जैसी सरकार के मतब में मिलती है रोज जैसी कोई हकीम तुझको कोई हकीम तुझको ऐसे दवा न देगा कोई हकीम तुझको ऐसे दवा न देगा कोई हकीम तुझको ऐसे दवा न देगा। मक्ता और मक्ता है पांचवा शेर और पांचवा शेर हुजूर के घर वालों की नजर पांचवा शेर पांचवा शेर है सैयदों की नजर करता है शायद कहा कि उनके घर आने वाले सब हैं अलीम आका उनके घर आने वाले सब हैं अलीम आका जो कुछ कहेगा तुझको जो कुछ कहेगा तुझको सैयद घराना देगा जो कुछ कहेगा तुझको सैयद घराना देगा जो आस्ता नबी का देख सदा ना देगा।